दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं और आपको एडिटिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको जो है कोई और एडिटिंग वाली वीडियोस आपको नहीं देखनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एडिटिंग। दोस्तों हाँ दोस्तों एकदम बिल्कुल मैं अपनी भाषा में बताऊंगा, अपनी भाषा में आपको एडिटिंग करने के लिए बताऊंगा दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका से। आप यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और एडिटिंग वाली वीडियोस आपको नहीं देखनी पड़ेगी। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं तो आपके जो वीडियोस को एडिटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि आपके जो व्यूअर्स है आप जब तक अपने अपने वीडियोस को एडिटिंग नहीं करते तो आपके जो व्यूअर्स होते हैं वो सारी बात को नहीं समझ सकते दोस्तों, क्योंकि एडिट करते हैं तो आप जो है अपनी बात के साथ साथ आप कुछ इमेज भी जोड़ देते हैं दोस्तों, ताकि आपके जो व्यूअर्स है आपके सारी बात को समझ सके। तो दोस्तों इसके लिए आपके एडिटिंग आनी चाहिए। एडिटिंग आपके सक्सेस करवाने के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है दोस्तों, क्योंकि एडिटिंग ही आपके जो है सक्सेस करवाता है यूट्यूब पर। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो आता है आपको एडिटिंग के मामले में, कुछ भी नहीं आता, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों एडिटिंग के जो बेस्ट एप्लीकेशन है दो एप्लीकेशन है दोस्तों, एक है पावर डायरेक्टर और एक है काइनमास्टर। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं काइनमास्टर से कि एडिटिंग कैसे करते। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले आप जान लीजिए कि मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अमन रोन टू। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम यहाँ काइनमास्टर को ओपन कर लिए हैं। दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखना है कि एडिटिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो जैसे ही आप काइनमास्टर ओपन कीजिएगा तो काइनमास्टर का जो इंटरफेस है ना कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ प्लस का आइकन एक बड़ा जैसा देखने को मिल रहा है, तो आपको इसको क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है सिलेक्ट द एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आप जिस प्रोजेक्ट के लिए आप रेशियो सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करूँगा दोस्तों, आपको पता होगा कि यूट्यूब वीडियोज़ का जो रेशियो होता है वो होता है 16:9 होता है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह के कॉलम बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको एकदम बिल्कुल यहां ध्यान से देखना है, अगर चाहते हो कि इस बैकग्राउंड में अपने बैकग्राउंड में कुछ कलर्ड बैकग्राउंड डालो तो आप अगर यहां मीडिया का ऑप्शन देखने मिल रहा है तो मीडिया में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहां बैकग्राउंड कलर यहाँ देखने मिल रहा है। बैकग्राउंड में अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे यहाँ कलर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ तो आप देख पा रहे हो कि आपके जो ये बैकग्राउंड कलर मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं अगर आप अलग से कोई वीडियोस अपने बैकग्राउंड में आपने अलग से आपने बैकग्राउंड में अगर आपने शूट करके रखा है पहले से तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा ये आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अगर आप बैकग्राउंड में है अपने वीडियोस पर तो आप इसको डिलीट कर दे, इसको डिलीट कर देना है, इसको हटा देना है। डायरेक्ट आपको फिर से मीडिया में क्लिक करना है और जो भी आपने शूट करके रखे हुए अपने वीडियोज़ को अपने स्टोरेज में क्लिक करना है। यहाँ देख पा रहे हैं स्टोरेज में क्लिक करते हैं तो जहाँ भी आप शूट किए हैं अब उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ शूट किया हूँ दोस्तों, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे कि हम शूट करते हैं तो कुछ ये वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, तो इसमें पहले ये करना होगा दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको डिलीट करना होगा, हटाना होगा, ट्रिमिंग करना होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किस तरह आप जो है एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना है। जैसे कि इधर देख पा रहे दोस्तों कि मैं यहाँ से बोलना शुरू किया हूँ, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ दोस्तों अपने वीडियो में, कुछ जो भी वीडियो शूट किया होगा तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो इस पर इसी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है इस तरह। और यहाँ एक कैंची का ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो दोस्तों जैसे कि इधर देख पा रहे होंगे कैंची का ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ट्रिमिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। यानी कि अगर आप राइट साइड करना चाहो तो राइट साइड, अगर आप क्लिक करना चाहो तो राइट साइड हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड अगर करना चाहो तो लेफ्ट साइड भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हम लेफ्ट साइड को करना चाहूँगा क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड में क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ देख पा रहे कि लेफ्ट साइड का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हट चुका है, तो आप इधर राइट क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो राइट क्लिक करते हैं तो आप ये इधर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ से मैं डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हट गया है। उसके बाद फिर एंड में भी कुछ इसी प्रकार होगा दोस्तों, एंड में भी कुछ इसी प्रकार होगा, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो मैं यहाँ राइट में क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। जैसे कि इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों ये वाला, तो फिर उसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको कैंची में क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर राइट साइड में क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ देख पा रहे होंगे ट्रिमिंग ऑफ राइट साइड फ्लेड में आपको क्लिक कर लेना है इस तरह। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियोस में वो हट जाएगी दोस्तों इस तरह।
तो दोस्तों आपको फिर राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ इसका जो वॉइस है उसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों, कम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ इस तरह मैं आवाज़ क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आवाज़ इसको एकदम पूरा लो कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद आप बात रही दोस्तों कि अपने वीडियोस को आप चाहते हो कि थोड़ा सा लाइट दें अपनी वीडियोस पर, कुछ फिल्टर यूज करें, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना हो, फिर इसी लेयर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको नीचे को और आना है और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो आपको कलर फोल्डर का ऑप्शन देखने मिल रहा है। आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ कलर फोल्डर में आपको क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ये जो है कलर फोल्डर देखने को मिल जाता है, कलर बहुत सारे देखने मिल जाता है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा जो दोस्तों, आप चाहो तो कर सकते हो। तो मैं फिलहाल कभी कभी इसको यूज कर लेता हूँ दोस्तों, ये वाले कलर को कभी कभी यूज कर लेता हूँ ये भी। तो दोस्तों इस तरह के कलर अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आपके वीडियोज़ पर डिपेंड करता है। तो अगर आप करना चाहो तो मैं इस तरह का कभी कभी कर लेता हूँ दोस्तों, आपको इस तरह सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वीडियोस का कलर है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, आपको जरा स्कूल दिखाई देता है। अगर आपके वीडियोस ऑलरेडी पहले से कलरफुल है तो आप, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। उसके बाद बात रहती है दोस्तों कि अगर आप, अगर बीच में बोलते बोलते कुछ एक्स्ट्रा में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ दोस्तों, शूट करने वक्त कुछ कुछ एक्स्ट्रा कुछ गलत हो जाता है दोस्तों बीच लाइन में ही। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों कि इसके बीच में मैंने कुछ गलती कर दिया हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो दोस्तों कि मैंने बीच में बोलते बोलते कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया था। इस तरह आपके साथ भी अगर हो जाता है, आपके वीडियोस पर भी बीच में अगर कहीं एक्स्ट्रा गलत हो जाता है तो आपको बीच में भी कट कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि फिर उसी तरह जैसे कि मैं, आप देख पा रहे हैं एडजस्ट कर लेना है और देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैं गलत बोलना शुरू कर दिया दोस्तों, यानी कि कुछ मिस्टेक कर दिया बीच में, तो आपको फिर इसी लेयर में क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको उसी कैंची वाले सिंबल में क्लिक करना है, मैं यहाँ सिंबल में क्लिक कर लिया दोस्तों। उसके बाद आप इधर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे राइट साइड लेफ्ट साइड, अब उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको बीच वाली कट करने का। तो दोस्तों अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो जहाँ आप मिस्टेक किए होंगे आपके दो भाग में बढ़ जाएगा दोस्तों, इस तरह आपके जो दो पार्ट में बढ़ जाएगी। आप अब अगर चाहते हो कि मैं इसको अपने राइट साइड को जहाँ मैंने गलती किया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आपको फिर से इसी लेयर में क्लिक करना है और आपको फिर कैंची में क्लिक करना है, क्योंकि कटना आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, तो ये सब काट छांट करना पड़ता है क्योंकि आपके जो व्यूवर्स होते हैं फिर नहीं तो बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपके डायरेक्ट मुद्दे की बात सुनना चाहते हैं दोस्तों। तो आपको क्या होता है, आपके जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उसको हटाना पड़ता है दोस्तों, तो फिर इसमें राइट साइड में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो मैं यहाँ राइट साइड में क्लिक कर देता हूँ। अब चाहते हो कि मिस्टेक से कुछ अलग से कट गया है, मिस्टेक से कुछ ज़्यादा कट गया, तो फिर से आप यहाँ देख पा रहे हो रिवर्स यानी कि बैक का ऑप्शन देखने मिलता है, तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से वो पार्ट फिर से आ जाता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि फिर से बेक करना है तो आप इधर इस पर क्लिक करते हो तो फिर से बेक हो जाएगी दोस्तों पूरा इस तरह, तो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हो अपने वीडियोस को। उसके बाद अब बात रहती है दोस्तों कि आप अपने वीडियो का, अपने वीडियोज़ का जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत कम है, ऑडियो बहुत कम है, आप ऑडियो को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, फिर इसी प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना हो और उसके बाद आपको क्या करना, फिर आप इधर वॉइस का ऑप्शन देखने मिल रहा है तो आपको इस वॉइस का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप इधर देख पा रहे हैं ऑडियो, ऑडियो मैंने यहाँ कम करके रखा है दोस्तों आपके समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप चाहो तो यहाँ जो है आप 200% बढ़ा सकते हो दोस्तों, आप अपने वीडियोज़ का जो ऑडियो क्वालिटी है ना 200% आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपके जो वीडियो का ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है दोस्तों और आपके साफ साफ सुनाई देता है। अगर आपके वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी कम है तब, तो दोस्तों इस तरह आप जो सेलेक्ट करके उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा साउंड बढ़ जाता है दोस्तों, जैसे कि आप इधर सुन पा रहे होंगे, तो दोस्तों आप जैसे कि सुन पा रहे होंगे कि ऑडियो क्वालिटी जो है जरा हाई हो गया दोस्तों, मैं यहाँ कम कर देता हूँ ताकि आपके समझने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह आप अपने ऑडियो क्वालिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं, तो मैं इसको घटा देता हूँ फिलहाल क्योंकि आपके समझने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद दोस्तों राइट साइड क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद अब बात रहती है दोस्तों कि हम बीच में बोलते बोलते कुछ इमेजेस आ जाता है, जैसे बहुत सारे वीडियोज में देखे होंगे कि कुछ बोलते बोलते कुछ इमेज आ जाता है, तो दोस्तों आप इमेज कैसे डाल सकते हो, इमेज डालना बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ अगर मैं यहाँ में इमेज डालना चाहता हूँ, मैं इसी में इमेज डालना चाहता हूँ, सपोज दैट अगर
मैं इमेज डालना चाहता हूँ यहाँ। आपको जहाँ सेलेक्ट होने का रहेगा आपके जो सूटेबल के हिसाब से आपको वीडियो सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस यहाँ अपने वीडियोस पर जो है मैं इमेज डालना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ देख पा रहे होंगे लेयर का ऑप्शन देखने मिल रहा होगा, तो आपको इस लेयर का ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में ही मीडिया का ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो आपको फर्स्ट में इस मीडिया में क्लिक करना है। तो आप इसी जगह फिर चले जाते हैं दोस्तों जहां आपने फोटो को रखे हैं। तो जैसे कि मैं जो भी फोटो ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां लगा देता हूं, कुछ मैंने डाउनलोड करके रखा है दोस्तों, तो मैं यहां लगा देता हूं। जैसे कि मैं ये वाली इमेज को लगाना चाहूंगा, तो मैं इसको जो है यहां देख पा रहा हूं कि ये जो इमेज है आपके स्क्रीन पर आ जाएगी कुछ इस तरह। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस कर्सर को पकड़ के आपको फुल स्क्रीन में कर देना ताकि आपको पता ना चले। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही बोल रहा हूं वैसे इमेज आ गया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वैसे इमेज आ गया। उसके बाद फिर से आप चाहते हो कि मैं इमेज के मैं कुछ हिस्सा को काट दूं, हटा दूं, मैं कुछ ही देर के लिए इमेज रहे, तो जैसे कि मैं यहां अब हटा देता हूं दोस्तों। तो इस लेयर में क्लिक करना है, आपके जो इमेज वाली जो लेयर है इतना बड़ा जो बना हुआ है, इस लेयर को आपको जहाँ से आपको कट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको बाद उसी प्रकार आपको फिर से कैंची वाला ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद अगर आप राइट साइड क्लिक करना चाहते हैं तो राइट साइड आप हटा सकते हैं, लेफ्ट साइड करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड को हटा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ जो है राइट साइड को हटाना चाहेंगे क्योंकि कुछ ही लेयर आगे में आए दोस्तों, तो मैं यहाँ राइट साइड को क्लिक कर लेता हूँ। तो राइट साइड के जितने भी हिस्सा है वो हट चुकी है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो कि जरा सा वो दोस्तों बेक हो गया जरा सा। हाँ, फिर से मैं एडिटिंग पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फिर से आप देख पा रहे होंगे कि जरा कूल दिखाई दे रहा है, तो देख पा रहे दोस्तों कि जरा कूल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जो है इमेजेज आप अपने वीडियोस पर लगा सकते हैं। अब चाहते हो कि बीच में फिर लगाऊं, तो दोस्तों फिर से लेयर में जाना है, आपको उसी प्रकार मीडिया में जाना है। उसके बाद फिर से आपको कुछ दोबारा आपके कुछ अलग इमेज को आपको फिर लगा देना है। जैसे मैं आपको बता दूँ ये वाली मैं इमेज को लगा देता हूँ, तो मैं फिर से इसी कर्सर के आपको खींच के फिर बड़ा कर देना है। और आपको फिर से क्या करना है दोस्तों, आपको राइट साइड चाहो तो आप यहाँ जैसे मैं आपको बता दूँ कुछ ही क्षणों के लिए मैं इमेज लगाऊंगा, तो यहाँ राइट साइड फिर से उसी प्रकार ट्रिमिंग में क्लिक कर लूँगा। उसके बाद फिर राइट साइड को मैं हटा दूंगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों बिल्कुल ईजी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी कूल नज़र आ रहा है, देख पा रहे होंगे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कूल नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह आप अपने वीडियोज़ पर इमेज डाल सकते हो दोस्तों। अब उसके बाद आता है कि कभी कभी आप चाहते हो कि मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखूँ, अपने चलते चलते मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहूँ। तो दोस्तों जिस तरह हम लेयर में क्लिक करके इमेज को सिलेक्ट कर लिए हैं, उसी प्रकार आपको फिर से लेयर में क्लिक करना है और आपको नीचे की ओर दिखाने मिल रहा होगा टेक्स्ट का ऑप्शन। अब जैसे कि इधर देख पा रहे हैं टी बना हुआ है दोस्तों, तो इस टेक्स्ट में क्लिक जैसे ही करते हैं तो आप टेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो अपने वीडियोस के हिसाब से जो आप लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ गुड कुछ भी लिख दिया दोस्तों, ऐसे ही लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर आ जाएगी दोस्तों यहाँ जैसे कि गुड, यहाँ जो चाहते वो लिख सकते हो दोस्तों। आप चाहते हो कि मैं इसका कलर चेंज करूँ, इधर मैं साइड में रख देता हूँ दोस्तों। आप चाहते हो कि मैं कलर इसको इस टेक्स्ट का जो कलर है मैं इसको चेंज करूँ, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ देख पा रहूँगा कि यहाँ जो कलर का एक सिंबल बना हुआ है गोल सर्किल है, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह के लेयर आपके सामने खुल के आ जाएगी, जो चाहते हैं यहाँ वो कलर को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आपको एकदम ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको जो चाहते हैं वो कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ रेड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि चमक आए। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे होंगे कि ये जो गुड मैंने लिखा टेक्स्ट तो ये रेड कलर में आ गया। अगर चाहते कि मैं इसको स्टाइलिंग फॉन्ट में बनाऊँ, स्टाइलिश में लिखूँ, तो दोस्तों आप इधर देख पा रहे होंगे कि इधर कैंची के बगल में डबल ए है, यानी कि फॉन्ट में अगर क्लिक करते हैं डबल ए में तो आपको ढेर सारा यहाँ स्टाइलिश फॉन्ट देखने को मिल रहा है अपने टेक्स्ट को बनाने के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में क्लिक कर लेता हूँ, तो आप इधर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो है टेक्स्ट जो है बेहतरीन जो है अपने हिसाब से जो है वो टेक्स्ट फॉन्ट में बन गया स्टाइलिश फॉन्ट में। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे जरा कूल दिखाई देता है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे गुड। तो आपने देखा कि दोस्तों इस तरह आप अपने वीडियोस के चलते चलते कहीं टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कट भी दीजिए, उसी प्रकार आपको कट भी देना है। तो इस प्रकार आप अपने वीडियोस पर टेक्स्ट इमेज इस तरह डाल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चाहते हो, जैसे आपने बहुत सारी वीडियोज़ में सुने होंगे कि वीडियोज़ के साथ साथ जो है एकदम बिल्कुल स्लोली धीमे आवाज़ में कुछ म्यूजिक भी चलता है,
तो आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियोस पर ये भी डालूं, तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको इधर देख पा रहे होंगे, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप इधर देख पा रहे हो ऑडियो को ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो आपको इस ऑडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी बात बता रहा हूं दोस्तों, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो आपको ऑडियो में यहां क्लिक कर लेना है, जैसे कि MP3 का यहां जो सिंबल है ऑडियो में क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपने जो है ऑडियो के फाइल पर चले जाते हैं, जहां भी आपने ऑडियो फ्री कॉपीराइट रखे हैं आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैं यहां सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद जो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर लेता हूं, तो आपके जो एडिटिंग किए हैं दोस्तों आपके नीचे जो है आपको ऑडियो आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि यहां नहीं आया दोस्तों, मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा इसको, तो आप इधर देख पा रहे हो दोस्तों कि मैं यहां फिर से ये प्लस के आइकन में करना है, सॉरी दोस्तों यहां जो है प्ले जो हो रहा है, तो यहां जो है प्लस के आइकन में करना है, तो आपके जो वीडियो का एडिटिंग है आपके स्क्रीन पर आ जाएगी दोस्तों यहां। तो आप इधर देख पा रहे होंगे कि यहां जो है आप धीरे धीरे आप सुन सकते हैं दोस्तों। अब चाहते हो कि नहीं, अपनी ऑडियो के स्पीड से मैं अपने जो म्यूजिक का जो स्पीड है मैं इसको कम करूं अपने वीडियोस के हिसाब से, तो मैं इसको उसी प्रकार इसके लेयर में ऑडियो के लेयर में क्लिक करना है, उसके बाद जाना है इसी के सिंबल में आपको ऑडियो वाली, तो इसमें क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको कमा देना है दोस्तों इस तरह के आपके स्लोली एकदम वीडियो के साथ साथ चले, तो कुछ इस तरह देख पाएंगे दोस्तों कि आप जो है इस तरह का साउंड चलने लगा, क्योंकि मैं अपने यहाँ जो वीडियोस का जो ये है ना दोस्तों, जैसे कि आप देख पाएंगे मैं अपनी वीडियोस का जो साउंड मैंने कम करके रखा ताकि आपके समझने में दिक्कत ना हो, मैं ऑडियो को थोड़ा सा ऑन कर देता हूं दोस्तों ताकि आपके सुनने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो आप इधर देख पाएंगे दोस्तों, मैं यहाँ प्ले करके सुनाता हूँ, तो आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों कि मेरे ऑडियो के साथ साथ इमेज के साथ साथ कुछ धीमे आवाज़ में कुछ साउंड भी चल रहा है दोस्तों। उसके बाद आप ये देख पाएंगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आ रहा है, अब देख पा रहे हो साथ में इमेज गुड एक टेक्स्ट सारे के सारे चीज़ चल रहा है दोस्तों, इमेज भी चल रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कि सारे के सारा चीज़ इस तरह आप लगा सकते हैं दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में जो है इतना ही बताऊंगा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इससे ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटिंग करके मैं आपको बताऊं, इससे ज़्यादा आप अच्छा एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अगर आप कमेंट कर देते हैं तो मैं इससे अच्छा प्रोफेशनल एडिटिंग मैं आपको सिखा दूंगा दोस्तों। मैं इस वीडियो में केवल इसके बेसिक के बारे में मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, केवल बेसिक, इसमें एक्स्ट्रा और भी जाते यानी कि प्रोफेशनल सीखना चाहते तो इस वीडियो में आप अगर कॉमेंट करते हो तो मैं इस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों आपको इस तरह कंप्लीट करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इधर देख पा रहे हो मीडिया के बगल में यहाँ तीर चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके जो है अपने जो होम पेज का लेयर में आ जाते हैं, और जिस जैसे कि आपको फिर से एक्सपोर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ शेयर का ऑप्शन देखने मिल रहा है, आपको शेयर में क्लिक करना है, और आप अपने वीडियोज़ का जितना भी क्वालिटी में आप अपने वीडियोस को जितना भी क्वालिटी में जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप उस क्वालिटी को यहां सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि इधर आप देख पा रहे हैं। ऐसे तो अक्सर मैं दोस्तों जैसे कि 1080 को मैं सेलेक्ट करता हूं ताकि वीडियोस जो क्वालिटी और बहुत ही धमाका दे, तो आप चाहो तो जैसा इंटरनेट आपके पास जितना भी डाटा रहे आप अपने हिसाब से एक्सपोर्ट यहाँ कर सकते हो। तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आप जो है नीचे को देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो आप यहां से एक्सपोर्ट में ऑप्शन में एक्सपोर्ट में क्लिक कर देते हैं तो आपके वीडियो जो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से एडिटिंग के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा दोस्तों। मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि एडिटिंग के मामले में एक वीडियो बनाना काफ़ी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको एडिटिंग के बारे में पूरी पूरी बात नहीं सिखा सकता हूं दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे और ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटिंग सीखूँ तो इस वीडियो पर अगर कमेंट करते हो तो मैं पार्ट बाई पार्ट आपको सारी बात बता दूंगा दोस्तों एडिटिंग के बारे में। अगर यह जानकारी आपको जरा सा भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल में अगर पहली बार आए आपको लगे कि चैनल से हमेशा इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस हमेशा मिलते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह कंटेंट वीडियोस लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।